मेरे जैसा पढ़ाना है ऋतिक फ्यूचर में, तो बेटा आप सबसे पहले पैसे के पीछे मत भागना। जानते हो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मुखर्जी नगर में, तो यूपीएससी के जो बड़े बड़े टीचर्स बैठे हुए थे उन लोग का फीस था 20-25 थाउजेंड, अब तो बढ़ गया। और मेरा फीस क्या था पता है? मेरा फीस था स्पोकन का 500 रुपीज़ पर मंथ, और पूरा का पूरा अगर कोई स्पोकन या कंपल्सरी ले रहा है तो उसका 2000 रुपीज़। तो सब लोग कहते थे यार इतना अच्छा LLB की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर से, ये अगर लॉ भी पढ़ा लेना तो इसको मिलेगा अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या इंग्लिश लेके बैठ के, मैंने कहा था मैं इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज था इंग्लिश में था। मैथ्स भी अच्छा था लेकिन एक्सपर्टीज इंग्लिश में था। उस समय जिस समय इंग्लिश का कोई पेमेंट नहीं हुआ करता था, उस समय मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरा मन इंग्लिश में ही लगता था। बाद में बहुत सारे लोग आए मुखर्जी नगर में जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, नहीं चला। तभी मैंने कहा अगर मेरे जैसा पढ़ाना है तो पहले अपने आप को उस सब्जेक्ट में एकदम लीन कर दो, पढ़ो। आज भी मैं पढ़ती हूँ, आज भी मैं बहुत चीज़ नया नया खोजती रहती हूँ नेट में, कभी कभी कुछ कुछ खोजती रहती हूँ। कल तो रात में 3:30 बजे एक मीनिंग खोज रही थी,